Okay, so you watched Joker. How was it? It was very confusing. Longest 2 hours of my life जो waste हो गए. Story मुझे कहीं लग रही थी यार और होना चाहिए था. Joker वाली vibe पता नहीं. I didn't really like. There was no story. What was that character? It was very confusing. Just ये होता है overthinking का नहीं यही नतीजा है. ऐसा कुछ नहीं था. It was mid मतलब okayish. First part तो भाई कमाल था. I didn't like it. The first part was really nice. मतलब La La Land लग रही थी मेरे को बीच में वो. How much would you rate the film out of 5? Out of 5, wow. Maybe 2, 3 maybe. Yeah. Disappointment 2.5 भी थोड़ा ज़्यादा है. 2. 2.5. DC Universe की most popular film Joker का part 2 आज release हो चुका है और मैं आ चुका हूँ theater के बाहर लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें फिल्म कैसा लग रहा है. चलिए देखते क्या कहना लोगों का. Okay, so you watched Joker. How was it? It was very confusing. Like, why did they make the movie? काफी expectations थी मेरी. First day, first show, इसीलिए मैं आया था ताकि कहीं और से मुझे पता ना चले. पर ऐसा कुछ नहीं था. It was mid मतलब okayish. First part तो भाई कमाल था. They don't have audience here. It's a musical, but big disappointment. The longest 2 hours of my life जो waste हो गए. I didn't like it. The first part was really nice, but the second day made all musical. I think they took Lady Gaga. I think that was a mistake. She made all the musical. Direction अच्छा था. Acting भाई mind blowing थी. Cinematography भी अच्छी थी. Screenplay अच्छा था. इनके जो बीच बीच में चलो एक दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए जो songs वगैरह थे वो भी ठीक थे. Story मुझे कहीं लग रही थी यार और होना चाहिए था. जोकर वाली वाइब पता नहीं मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ. जोकर 1 वाज आइकॉनिक फिल्म एंड जोकर 2 ऐसा हो गया है तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जोकर 1 हैड अप्स एंड डाउन्स. भाई इसमें तो कुछ नहीं है. इस कहानी एक जो लेवल पकड़ी थी उस वहाँ से जो नीचे गई है. एंड भाई गागा अनलाइक म्यूजिकल क्यों बनाया पहले तो भाई. डी सी मार्वल जो पढ़ते हैं यार जो फॉलो करते हैं दोज आर लाइक आई नो जोकर लाइक जोकर का वेरिएंट्स है. लाफिंग बैटमैन है वो ऐसा डीसी का लगता ही नहीं प्रोडक्ट है. लेडी गागा इज हार्ली क्विन और मार्गो ट्रॉबी. आई थिंक मार्गो ट्रॉबी वुड हैव डन इट बेटर. हाउ अबाउट द स्टोरी लाइन? इफ यू विल कंपेयर इट विद जोकर 1 देन हाउ वाज इट? आई थिंक देयर वाज नो स्टोरी एट ऑल. आई डिडंट रियली लाइक. There was no story. Everyone had a question like why did they pick Lady Gaga? So did you also felt the same question? What was that character? It was very confusing. Just she played no part in it. You remove her, you get the exact same movie. They made Joker 2 as a musical drama. Do you think like it was necessary to make it? मतलब La La Land लग रही थी मेरे को बीच में वो. और मैंने story भी डाली थी बीच में एकदम जाके ही अपने phone पे कि what in the La La Land is going on. तो थोड़ा वैसा था. पता नहीं कैसी सिनेमैटिक अप्रोच ट्राई कर रहे थे वो लोग. मुझे तो मतलब नॉर्मल सी लगी. एंड आई थॉट हार्वी डेंट का कुछ दिखाएंगे. हार्वी डेंट दिखाया है. एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी शायद मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन वो जो फाइनल सीन था व्हेन पता नहीं ये अब तो वैसे आ गई है पिक्चर अब तो बता भी सकते हैं स्पॉयलर्स ऐसा कुछ नहीं है. जब वो स्टैब करता है जोकर को उसके पीछे आई गेस द गाय सिट्स डाउन और वो खुद पे कर रहा है. मे बी अब इसको मार के वो दूसरा जोकर लाएंगे. पैटर्न पास ऑन हो रहा है. हाँ वो जैसे वही है. हाँ सही कह रहे हो वैसा कुछ हो सकता है. मे बी अब जो हीथ लेजर का जोकर था मे बी वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे विद द स्कार्स एंड एवरीथिंग. पता नहीं क्या होगा भाई इससे तो डिसअपॉइंट कर दिया. होगा जो भी होगा. Margot Robbie as Harley Quinn or Lady Gaga as Harley Quinn? Who would you choose? Margot Robbie. Joker 1 was an iconic film. So do you think Joker 2 is also the same? No. Like Joker 2 has now become, has made Joker 1 seem less important in a way. It's very weird. Joker has always been an iconic character. So do you think इन्होंने बेकार कर दिया है Joker 2 बना करके? बेकार कर दिया है but I think the Joker thing will still live on. But like just very confusing. Why would you even make this movie? Like who are you pleasing? Like very confusing. Acting सबकी बढ़िया है but the makers forgot
एक्सट्रीम सोचते कि भाई व्हाट टू गिव टू ऑडियंस ये होता है ओवर थिंकिंग का ना यही नतीजा है. थैंक यू सो मच. हाउ मच डू रेट द फिल्म आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 वाओ मे बी 2 3 मे बी या डिसअपॉइंटमेंट 2.5 भी थोड़ा ज़्यादा है. 2.5 में देखा कि लोगों को तो ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों की बात मत सुनो, आप जाओ ये फिल्म देखो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. सो होप सो गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.